वो डरते हैं कि एक दिन हम जैसे गरीब नेते लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो आज वही स्थिति है कि हम लोगों ने अब उनसे डरना बंद कर दिया है। आज यहाँ बैठे हर एक साथी के अंदर है एक जज्बा आज लड़ने का कि हम लोग बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग समानता के खिलाफ, हम लोग समानता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग महिला के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वही और दूसरी ओर जब रक्षाबंधन का नाम लेते हैं लोग कि ठीक है बहनें हमारी देश की बेटियाँ, लेकिन इस देश मणिपुर में क्या हुआ, तो एक्चुअल में जो इनका सही में जो इनका नजरिया है बेटियों को लेकर वो एक सिर्फ और सिर्फ जो बलात्कारी मानसिकता है वो है। तो ये लोग रेप के सपोर्ट में है, ये लोग उन लोगों के सपोर्ट में जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, ये लोग उनके सपोर्ट में जो महिलाओं को रेप करते हैं, इनके तमाम ऐसे बीच भाजपाई लोग हैं जो लगातार महिलाओं को रेप करते हैं, उनको कैबिनेट में बिठा रखा है इन लोगों ने, जिनको सताया जा रहा है, जिन महिलाओं को सताया जा रहा है, महिला किसी भी कास्ट से आती है वो हमारे साथ हैं, उनके उनकी लड़ाई में हम उनकी भागीदारी करते हैं। संभव ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें रुक पाएँ जो इनके सरकार में कभी नहीं होगी। देखो इस सरकार का ये दिखाती है कि एक जातिवादी रवैया, एक एंटी वूमेन रवैया, कितना महिला विरोधी ये लोग हैं। बोलने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम चीज़ें बोलते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी के पास जहां डॉक्टर रितु का प्रदर्शन चल रहा है। आज तीसरा दिन है, मुद्दा सभी को पता है, समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष आशुतोष। क्या कहेंगे अब जो लोग हैं भीम आर्मी को लेकर और चीफ जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उनके लिए सवाल उठा रहे हैं कि वो सिर्फ फेमस मुद्दों पे जाते हैं जैसे पहलवानों के हुआ, किसान का हुआ, यहाँ पर नहीं आ रहे, डॉक्टर रितु के लिए नहीं आ रहे हैं। देखो डॉक्टर रितु का ऑलरेडी बहुत फेमस मुद्दा है, पूरी यूनिवर्सिटी में पूरा देश जानता है डॉक्टर रितु का जो मूवमेंट चल रहा है अभी, ये तो अभी सेकेंड वेव से पहले ही बहुत मूवमेंट चले डॉक्टर रितु को लेकर। तो जितना भीम आर्मी का है, भीम आर्मी के लोग रेगुलर यहाँ पर रह रहे हैं, मैं जिस दिन से पहले दिन से जिस दिन से प्रोटेस्ट, मैं से स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यक्ष होने के बावजूद हमारी टीम पूरी यहाँ पर रह रही है, मुख्य भूमिका निभा रही है, मुख्य भूमिका एकदम इस प्रोटेस्ट को पूरा लगातार आप तो देख रहे हो, सारे जर्नलिस्ट देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, डूसू चल रहा है, उसके बावजूद हम क्लास कैंपेन करके तमाम मीटिंग्स करके तब यहाँ आते हैं, उससे पहले यहाँ रहते हैं, यहाँ जाके जाते हैं। तो इतना रही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद साहब की, तो वो लोग वो आएंगे, उनका भी लगातार कोई भी इतना वो नहीं है, लगातार मूवमेंट चल रहे हैं। आप देख रहे हो भीम आर्मी जिस दिन से गठन हुआ है अब तक उसका मूवमेंट कभी रुका नहीं है, तो लगातार वो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों को भी देखना जरूरी है। मतलब जिम्मेदारी लोग ही होती है ना, यहाँ भी जिम्मेदारी है कुछ लोग, यहाँ लोग देख रहे हैं आज भी, कम से कम हमारे लोग बैठे हैं, देख सकते हो भीम आर्मी के लोग यहाँ बैठे हैं डॉक्टर रितु के साथ, डॉक्टर रितु के साथ भीम आर्मी और उस और ऐसे तमाम संगठन उनके साथ मिलकर हमेशा रहेंगे। और हम तो साफ साफ बोलते हैं कि अंत तक मैं एज ए भीम आर्मी फेडरेशन उनके साथ लगा, जब तक टिकी जब तक वो कह नहीं देती, जब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं जाते तब तक हम उनके साथ हैं। संघी लोग जो हैं वो इस प्रदर्शन के बारे में मतलब उठपटांग अगर बोले तो कह रहे हैं कि 4-10 लोगों को लेकर बैठे हैं, कुछ होने वाला नहीं। देखो ये बहुत सारी चीज़ें जो उनके लिए कही जाती है, मतलब कि बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए ऐसी कहा जाती है, तमाम ऐसे इस तरह के आंदोलन, मत बोलो इमरजेंसी का आंदोलन भी किसी एक मैच गुजरात के एक मैच से शुरू हुआ था। तो ये बात ये संघी लोग भूल रहे हैं, ये तमाम ऐसे लोग भूल रहे हैं कि जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट की उस पर लोगों पर डिपेंड तो रहता ही है, लेकिन उसकी तेज तर्रार भाषाओं पर भी रहता है। इस मूवमेंट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फैलने में, अभी माहौल दूसरा चल रहा है, देखना आने वाले टाइम पे अभी ये मूवमेंट चलेगा, यहाँ सारे लोग खड़े होंगे, जिस दिन भीम आर्मी आएगा पूरा ये कैंपस हिल जाएगा, और आएगा ज़रूर, अभी बस एक दो दिन बाद थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसको हम पूरी तरीके से, चाहे वो पहलवानों का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, उन सबको फेमस बाद में हुए हम पहले पहुँचे। अभी क्या है, अगर बात फेमस की होती है कि डॉक्टर रितु मैम का कम फेमस हैं, उनके जाके देखिए कितने फॉलोवर्स हैं, कितने तमाम हर तरह की सोशल मीडिया पर वो तो है एक्टिव, तो ये प्रोटेस्ट भी फेमस है, चंद्रशेखर भाई भी आएंगे, भीम आर्मी भी लगातार यहाँ आए, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन भी है, आज़ाद समाज पार्टी भी है, हमारे चारों संगठन इस चीज़ में काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ लोग कह रहे हैं कि असर नहीं होगा, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ आसपास जो है एबीवीपी के लोग आते हैं, जायज़ा ले रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, तो क्या सिंहासन हिलते हुए दिखाई दे रहा है सबिता रॉय की? देखो कहीं ना कहीं चाहे वो लोग हमको कम बता रहे हों, लेकिन वो डरते ज़रूर हैं। अभी इसका बहुत फेमस है एक हमारे बहुत पहले क्रांतिकारी साथी हैं, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है कि वो डरते हैं, आखिर किस चीज़ से डरते हैं, वो तमाम दन दौलत पुलिस फोर्स गोला बारूद के बावजूद भी वो डरते हैं कि एक दिन हम जैसे गरीब नेते लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो आज वही स्थिति है कि हम लोगों ने अब उनसे डरना बंद कर दिया है, तभी उनके तमाम उस स्टेट के इस मोदी सरकार के तमाम टूल्स, पुलिस रही, आईबी के मेंबर लगातार घूम रहे हैं,
अपने छोटे गुंडों को, एबीपी को, वो यहाँ पे लगातार देखने के लिए भेज रही है। मैं देखते रहो, हम सबको पहचानते हैं, हम पहचान रहे हैं, कर रहे हो जो तुम करते रहो, हमारा मूवमेंट इसी तरीके चलता रहेगा। तुम जैसे लोगों से नहीं, हम पहले डरे थे, नहीं अब डर रहे हैं। हमने अपनी लड़ाई, इतिहास में हमारी लड़ाई बहुत लड़ी गई और हमने लड़ी है, इतना संघर्ष हमने देखा, हम मजबूत हो चुके हैं। और एक विचारधारा, अम्बेडकरवाद की विचारधारा, वो लड़ने की विचारधारा, वो संघर्ष करने की विचारधारा आज यहाँ बैठे हर एक साथी के अंदर है। एक जज्बा है लड़ने का कि हम लोग बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग समानता के खिलाफ, हम लोग समानता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग महिला के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जो है कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी डॉक्टर रितु जैसी पढ़ लिख कर कुछ कर जाती है तो उसके बाद उन्हें ही कुचल देने की कोशिश की जाती है। देखो, इस सरकार का ये दिखाती है कि एक जातिवादी रवैया, एक एंटी वूमेन रवैया, कितना महिला विरोधी ये लोग हैं, कितने ऐसे ऑपरेस तबके के विरोध में ये लोग कर रहे हैं। बोलने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम चीज़ें बोलते हैं, आज डेटा भी ये बोलते हैं कि उसका 80% फंड ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए हैं। तो एक्चुअल में जो इनका सही में जो इनका नज़रिया है बेटियों को लेकर, वो एक सिर्फ और सिर्फ जो बलात्कारी मानसिकता है वो है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को भी छोड़े ये लोग हाथरस में उनके रेपिस्टों को भी छोड़े, तो ये लोग रेप के सपोर्ट में हैं, ये लोग उन लोगों के सपोर्ट में जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, ये लोग उनके सपोर्ट में जो महिलाओं को रेप करते हैं। इनके तमाम ऐसे भाजपाई लोग हैं जो लगातार ऐसे संघी लोग हैं जो लगातार महिलाओं को रेप करते हैं, उनको कैबिनेट में बिठा रखा है इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में हाल में ही ऐसी घटना आई है जहां एक लड़की का को छेड़छाड़ किया गया, उसके बाद भाई को पीट पीट कर मार दिया गया, माँ को निर्वस्त्र कर दिया गया। देखो, ये वो घटना जो हाईलाइटेड हो जाती है, ये हो रहा है, इसके साथ साथ ऐसी घटनाएं जो हाईलाइट नहीं हो रही, रेगुलर जाइए कभी बाहुबली क्षेत्र में, इनके बीजेपी के क्षेत्रों में, गाँव से आता हूँ, सुनिए एक बार कि उन गाँव उन मोहल्लों में लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, लोगों को नहीं बोलने देता पुलिस में। पुलिस डॉक्टर रितु मैम की जब SC ST FIR दर्ज की, उसको बड़ा टाइम बड़ा मुश्किल लग जाता है वो FIR दर्ज कराने में। तो वो लगाई गांव में जो बैठे हैं लोग, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कैसे FIR दर्ज। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो रेगुलर आते हैं जो दर्ज नहीं होते, ये हाईलाइटेड केस है। तो ये सरकार में लगातार दमन और उत्पीड़न हो रहा है। एक ऐसी घटना सामने आई जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जो है महिलाओं को सौगात दे रहे रक्षाबंधन की, 200 रुपये सिलेंडर के दाम घटाकर, दूसरी तरफ एक वीडियो आती है जहां सड़क पर एक महिला को लात जूतों से मारा जा रहा है, खूब पीटा जा रहा है, मन भर पीटा जा रहा है, और मीडिया में इसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। यही देखो, तुम 200 रुपये छूट देके तुम कहना चाहते हो कि हम रक्षाबंधन गिफ्ट करना चाहते हैं। अरे, अब सिलेंडर पे, चलो गैस पे आते हैं, उसके बाद उस बार उस पर भी आएंगे कि बिफोर कमिंग, मतलब मोदी सरकार से पहले सिलेंडर कितने का हुआ करता था, तेल कितने का हुआ करता था, एक आम आदमी की जो रोजी रोटी है वो कितने की हुआ करती थी, कितना परसेंट रेट, 400 रुपये था मुझे लग रहा है उस टाइम पे, मुझे 2014 से पहले 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, मैं खुद देखता था। तो तुम 400 से तुम कितना 1200 कर दिया, 1300 कर दिया, उसके बाद 200 घटा रहे हो, तुम इसका क्या क्या दिखाना चाह रहे हो। तो वही, और दूसरी ओर जब रक्षाबंधन का नाम लेते हैं लोग कि ठीक है बहनें हमारी देश की बेटियाँ, लेकिन इस देश मणिपुर में क्या हुआ, और जो आपने अभी घटना का बताया उसमें क्या हो रहा है, लगातार कश्मीर में क्या होता है महिलाओं के साथ, आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है, तो ये खाली क्षेत्र नाम नहीं, हर देश, इस देश के हर स्टेट में लगातार महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो हम समझते हैं। महिलाएं, ये भी देखो कि जाति के नाम पे जो लोग बांटते हैं ना, जो लोग जाति के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो हम स्वर्ण तबका हैं, और हम लोग बताते हैं कि हम यूनाइट होंगे बहुजनों का नाम लेते हैं, तो बहुजन की परिभाषा भी यही कि तमाम सताए गए लोग, जब ST ST OBC इवन जनरल में भी जिनको सताया जा रहा है, जिन महिलाओं को सताया जा रहा है, महिला किसी भी कास्ट से आती हैं वो हमारे साथ हैं, उनकी लड़ाई में हम उनकी भागीदारी करते हैं। तो ये हमारी बहुजन विचारधारा, ये हमारी बहुजन परिभाषा की नई, जो नया जो बढ़ती हुई अम्बेडकराई राजनीति का जो नया पहर है, तो बहुजन का मतलब भी समझाएंगे हम, और ये तमाम चीज़ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जो ये कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटियों को मार रहे हैं, बेटियों को तमाम इतनी ऐसी हरकत लगातार, 8 रेप तो यूपी से आते हैं, तो कहाँ की ये सरकार है, तमाम ये सवाल, इतने सवाल है कि हम पूरे नहीं होंगे। इतना ऑपरेशन है, इतना शोषण चल रहा है, जो कभी ऐसे लगता है इनकी सरकार में कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जो बढ़ता जाता है, तो उसको सिर्फ ख़त्म करने का एक ही इलाज है कि यहाँ पे इस देश में जब तक एक समतामूलक राजनीति नहीं होगी, इगैलिटेरियन इक्वालिटी जो सोसाइटी का सपना हम देखते हैं, उस सोसाइटी का नींव नहीं रखी जाएगी, तब तक ये कुछ ये संभव ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें रुक पाएँ जो इनकी सरकार में कभी नहीं होगी। हम यहाँ सुबह से बने हुए कई लोगों से बात किया, सब में एक चीज़ जो है कॉमन हमने नोटिस किया कि एक दुख है मन में सबके कि बहुजन बहुत देर से जागता है। बागेश्वर बाबा के धाम जाना हो तो लाखों की संख्या में जाते हैं, पर हक अधिकार की बात करना हो तो वहाँ बहुत कम संख्या दिखाई देती है। यही देखिएगा, देखो बात यह कि हमको एजुकेशन से हमेशा दूर रखा गया,
तो इसमें बहुजनों की गलती नहीं मानूंगा मैं, मानूंगा कि एक पढ़ाई की कमी होना जो उन तक नहीं पहुंच पाई, जो सरकार उन तक चाहे कांग्रेस रही हो उन तक वो रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाई। तो हमारे लोग, हम जैसे एक्टिविस्ट, हम जैसे स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट्स के बीच में ग्राउंड में भीम आर्मी के लोग और तमाम ऐसे अम्बेडकराइट लोग, कोई सी पार्टी जो एक इक्वलिटी समाज का समझ, वो गांव मोहल्ले में जाते हैं, वो समझाते हैं कि देखो तुम्हारा जो तुम्हारा असली जो रास्ता है वो मंदिरों की ओर नहीं है, तुम्हारा रास्ता एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर है। हमारे जैसे परिवार लोग जागे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे माँ बाप हम तो यहाँ लेके आए, और ऐसी तमाम समाज के तमाम ऐसे समाज जाग रहा है लगातार, बहुजन लोग जाग रहे हैं कि देखो दूर तक क्यों नहीं जाए, क्योंकि रिसोर्सेज किसके पास है, किताब पढ़ने का अधिकार किसके पास है। जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे हम जान कैसे पाएंगे कि आखिर इस देश का, इस सोसाइटी का क्या क्या मतलब है, कि किस तरीके की सोसाइटी उन बहुजनों को बर्बाद करते हुए ले जा रही है। तो किताब आप जा रहे हैं, किताबें तक पहुँचा रहे हैं, जब तक बहुजनों के हाथ में किताब नहीं होगी जब तक ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। बागेश्वर धाम, चंद पूंजी, चंद ये फालतू के लोग, ये ढोंगी बाबा हम जैसे लोगों को भटकाते रहेंगे, तो जो लोग भटक रहे हैं उन तक किताब पहुंचाई जाए, वो हमारा काम लगातार हो रहा है। साफ तौर पर आपने सुना, कहा जाता भी है ऐसा कि शिक्षा के में इतना पावर होता है कि वो सब कुछ बदल सकता है, चाहे वो परिस्थिति हो, सोच हो या सब कुछ, शिक्षा में इतनी पावर होती है कि वो शिक्षा बदलाव ला सकता है। अभी हक अधिकार की बात है तो पढ़ने की ज़रूरत है और एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।